नमस्कार दोस्तों, JSBB स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज अपन जो टॉप 500 करंट जीके उसका सेकंड पार्ट है, आज वो देखेंगे अपन। सेकंड पार्ट टॉप 500 करंट जीके जो आगामी भर्ती परीक्षा कॉलेज व्याख्याता रिट पटवार और ग्राम सेवक इनके लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट होगी, ये सीरीज जो अपन चला रहे हैं टॉप 500 करंट अफेयर्स की। तो आज कुछ अलग देखते हैं, नया टॉपिक है दूसरा इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 दिसंबर 2020 को राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद पे अभी 4 दिसंबर को देवेंद्र भूषण गुप्ता को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2020 में विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र। दोस्तों ये नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, यहाँ 2021 की बात हो रही है दोस्तों, उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो वह रहा 10वां स्थान, भारत 10वें स्थान पर रहा था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के अंदर, 10वें स्थान पर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में किस स्थान पर स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया था? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था राजस्थान के अंदर जेतपुरा पाली में। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का नया चेयरमैन अभी हाल ही में अक्टूबर में डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को बनाया गया। वर्तमान में अगर बात करें RPSC में तो एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों, एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में RPSC में कितने सदस्य होते हैं और कितने अध्यक्ष होते हैं, पिछली बार भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी नियुक्ति की जाती है तो बात करते हैं अनुच्छेद 316(a) के अंदर, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, राजस्थान के किन दो जिलों में जर्मनी की तर्ज पर पोटास के भंडार का खनन कार्य शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर दो जिले हैं जिसका पोटास के भंडार का खनन कार्य किया जाएगा, जो वह है पहला है नागौर और दूसरा है बीकानेर, इन दो जिलों में पोटास का खनन कार्य किया जाएगा जर्मन की तरह से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा? G7 की अध्यक्षता की बैठक करेगा तो वह करेगा दोस्तों ब्रिटेन, G7 2021 में होगी इसकी बैठक, उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहां पर खोला जाएगा? तो दोस्तों ये खोला जाएगा रलावता सीकर में, राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में किस बीमारी के कारण सांबर जीव में अलग अलग प्रजातियों के 25,000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो दोस्तों वह पाए गए एवियन बोटुलिज्म, दोस्तों ये प्रजाति है इन पक्षियों की एवियन बोटुलिज्म, जो नवंबर में आई थी सांबर झील जो जयपुर और नागौर के पास में है। यहाँ पे अगर नमक की बात करते हैं तो 8.7% नमक का उत्पादन होता है भारत का सांबर झील में, और ये खारे पानी की झील है दोस्तों सांबर झील। अगला क्वेश्चन है,
10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित शंघाई संगठन शंघाई सहयोग संगठन के बीच में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक ड्राफ्ट राजस्थान के किस दुर्ग की तस्वीर लगा रखी थी, तो दोस्तों वह लगा रखी थी मेहरानगढ़ दुर्ग। ये मेहरानगढ़ दुर्ग अगर बात करें तो ये जोधपुर में है दोस्तों, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन राष्ट्रीय गणित दिवस की, ये कब मनाया जाता है या कब बनाया गया दोस्तों? अभी बनाया गया 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या करोगे 22 दिसंबर। दोस्तों हमारा चैनल JSSB स्मार्ट स्टडी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और इसी तरह के टॉप वीडियो जो करंट अफेयर्स है 500, इनका नेक्स्ट वीडियो भी अपन लेके आएंगे नेक्स्ट दिन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, हाल ही में भारत में मेगा लेदर, यहाँ बात हो रही है दोस्तों भारत में मेगा लेदर पार्क का किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये पार्क है दोस्तों मेगा लेदर, ये यूपी में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? दोस्तों इसरो ने अभी ये घोषणा की है अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, जिसकी घोषणा कर्नाटक में हुई, यहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा दोस्तों, कर्नाटक राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा, प्रथम देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।